नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी का नाम है रास्ते में बांधा। बहुत पुराने समय की बात है, एक राजा ने जानबूझकर एक बड़ा सा चट्टान रास्ते के बीचों बीच में रखवा दिया। वहीं वो पास के एक बड़े से झाड़ी में छुप गया। वो ये देखना चाहता था कि आखिर कौन वो चट्टान रास्ते से हटाता है। उस रास्ते से बहुत से लोग आने जाने लगे, लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को हटाना ठीक नहीं समझा। यहाँ तक कि राजा के दरबार के ही बहुत से मंत्री और धनी व्यापारी भी उस रास्ते से गुजरे, लेकिन किसी ने भी उसे हटाना ठीक नहीं समझा। उल्टा उन्होंने राजा को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। बहुत से लोगों ने राजा पर सड़कों को साफ न रखने के लिए जोर जोर से आरोप लगाए, लेकिन उनमें से किसी ने भी पत्थर को रास्ते से हटाने के लिए कुछ नहीं किया। तभी एक किसान सब्जियों का भार लेकर आया। चट्टान के पास पहुंचने पर किसान ने अपना बोझ नीचे रखा और पत्थर को सड़क से बाहर ढकेलने का प्रयास किया। काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार उसे सफलता मिली। जब किसान अपनी सब्जियां लेने वापस गया तो उसने देखा कि सड़क पर एक पर्स पड़ा था जहां पत्थर पड़ा था। पर्स में कई सोने के सिक्के और राजा का एक नोट था, जिसमें बताया गया था कि सोना उस वक्त के लिए था जिसने सड़क से चट्टान को हटाया था। इस कहानी से दोस्तों हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में हमारे सामने आने वाली हर बाधा हमें अपनी परिस्थितियों को सुधारने का अवसर देती है, और जबकि आलसी शिकायत करते हैं और दूसरे अपने दयालु हृदय से उदारता और काम करने की इच्छा के माध्यम से अवसर पैदा कर देते हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।